Hello all and welcome back to our channel Pebbles Live CBSE in Hindi. हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 तक फिनिश कर लिया था, तो जो आज का मैं चैप्टर स्टार्ट करना चाह रही हूँ वो है चैप्टर 3 अ डे विद नंदू. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेसन में ऐसा क्या है. तो अपने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताया था, उनके ईयर्स के बारे में बताया था और कैसे किस एनिमल के ईयर्स किस शेप के होते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. तो आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नंदू के बारे में. और नंदू यहाँ पे रेफर किया गया है एक एलिफेंट को, और इसमें आपको एलिफेंट के बारे में बताया गया है. तो चलिए देखते हैं. नंदू वोक अप एंड ओपन्ड हिज आईज. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स. ही ब्लिंक्ड हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड. ओ देयर वॉज अमा. सी फॉर अस ह्यूमन As important as our mothers are. अभी कैसा होता है, कभी कभी मम्मा कहीं चली जाती हैं किसी काम से और घर पर नहीं होती, हम लोग सो रखे होते हैं. जब हम उठते हैं तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है, मम्मा कहाँ है, होता है ना. इसी तरह से जितने इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ह्यूमंस के लिए हमारी मदर है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट एनिमल्स के लिए भी रहती हैं. तो जैसे ही नंदू का स्टोरी स्टार्ट हुई है कि नंदू सो रखे हैं और जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक फॉरेस्ट में है और सब तरफ ट्री ट्रंक से सराउंडेड है. तो जब वो ऐसे देखते हैं सडनली उनकी नज़र उनकी मम्मा पे जाती है, तो कहते हैं मम्मा हैं यहाँ पे. सो वो रिलैक्स होते हैं. इसी तरह से हम लोग के भी साथ होता होगा, आपने देखा होगा हम लोग कभी कभी डर के उठ जाते हैं, पर जैसे ही हम देखते हैं कि हमारी मम्मा हैं वहाँ पे तो हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. तो जो उन्हें लगा था कि वो ग्रे फॉरेस्ट में हैं, वो जो थे वो उनके फैमिली मेम्बर्स, जो हर्ड ऑफ एनिमल्स सॉरी जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स उनके साथ रहता है वो थे. वहाँ पे कोई ट्रीज नहीं थी, कुछ नहीं था. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे मेल एलिफेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स, व्हाट हैपेंस कि जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो जब तक 14 टू 15 ईयर्स के नहीं होते, 14 टू 15 ईयर्स के तक वो रहते हैं अपने यंग वंस के साथ, अपनी फीमेल एलिफेंट्स के साथ. जब वो 14 15 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो अकेले ही जंगल में घूमते हैं, जबकि फीमेल एनिमल्स फीमेल एलिफेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता. वो क्या करते हैं, और यंग वंस जो होते हैं वो लोग एक झुंड बना के, एक झुंड बना के, एक जिसे हर्ड कहते हैं, झुंड को हर्ड कहते हैं, तो वो उसमें एक साथ रहती हैं अपने बच्चों के साथ. और जो सबसे बुज़ुर्ग होंगी फीमेल एलिफेंट, जो सबसे बुज़ुर्ग होती हैं उन्हें कहा जाता है लीडर. ओल्डेस्ट को कहा जाता है, ओल्डेस्ट जो फीमेल होंगी वहाँ पे उन्हें कहा जाता है लीडर ऑफ दैट हर्ड. ओके, तो कैसा रहता है कि मेल एनिमल्स तो चले जाते हैं, लेकिन मेल एलिफेंट्स तो चले जाते हैं, लेकिन जो भी सबसे सीनियर रहती हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट रहती हैं वहाँ पे, उन्हें उनका लीडर कहा जाता है. ओके, द सन वॉज ओवर हीटेड, इट वॉज गेटिंग हॉट. नानीमा ट्रम्पटेड, मेड अ लाउड साउंड. नानीमा इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एनिमल एलिफेंट्स. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. मैंने आपको बताया कि जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती हैं हर्ड में, शी इज़ द लीडर ऑफ दैट हर्ड. उसी तरह से उसी नानी माँ की
नंदू बात कर रहे हैं कि नानी माँ साउंड निकालती हैं और जंगल की तरफ चलती हैं, इसी तरह से सब जितने भी आपके और एलिफेंट्स थे, फीमेल एलिफेंट्स, वो उनके पीछे चलते हैं और नंदू भी उनके साथ चलता है, जो भी उनकी यंग वंस थे वो सब उनके साथ चलते हैं। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading around. जब वो जंगल में, अभी कैसा हो जाता है जब एनिमल्स जाते हैं तो झुंड में हैं, पर जब उनका लाइक वो स्पेसिफिक किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो सब स्कैटर हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। लाइक अगर किसी को लीव्स खानी है या किसी को पानी में खेलना है, वट एवर दे हैव टू डू दे डू। सिर्फ ये एलिफेंट्स का नहीं रहता है, और एनिमल्स का भी रहता है। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विक्स। अभी जैसे कोई कहाँ से लीव्स खा रहा है, कोई ट्विक्स खा रहा है। आफ्टर दे हैड ईटन, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। द मदर लेड आउट इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। अभी देखिए, आप सबको भी पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, सब बच्चों को पानी में खेलना, मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जितने भी बेबी एलिफेंट्स होते हैं उन्हें भी पानी और मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो जंगल में गए और सब स्कैटर हो गए खाने के बाद, जो बेबी एलिफेंट्स थे वो रिवर में गए नहाने के लिए, खेलने के लिए मड में। इससे क्या होता है, एलिफेंट को मड में खेलना और रिवर में रहना ज़्यादा इसलिए पसंद होता है, जो उसकी स्किन होती है उससे बहुत हीट रहता है, तो इससे उसे ठंडक मिलता है, उसे गर्मी कम लगती है। वैसे तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो भी फैन का काम करते हैं उसे हवा देने में। नाउ डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स। मतलब जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 किलोग्राम तक लीव्स खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। उन्हें 3 से 4 घंटे की नींद बहुत हो जाती है, उससे ऊपर वो रेस्ट नहीं करते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। द मड कीप देयर स्किन कूल। द बिग ईयर ऑल्सो वर्क एज फैन। द एलिफेंट फ्लैप्स दीज टू कीप देम कूल। मैंने आपको बताया क्योंकि गर्मी से, कि उनके ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए एलिफेंट्स मड और रिवर में खेलते हैं, और जो उनके ईयर के फ्लैप्स होते हैं वो उन्हें यूज़ करते हैं फैन की तरह, कि वो कूल रहें, उन्हें ज़्यादा गर्म ना लगे। नाउ फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। ही थॉट, आई बेटर नॉट गो नियर देम। वॉट इफ दे फॉल ऑन मी, आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। अभी वो छोटा था तो उसे लगा कि अगर मैं इनके पास जाता हूँ तो जो मेरे भाई बहन नदी में खेल रहे हैं वो शायद मेरे को भी मतलब खींच लें, और वो लोग एक दूसरे के टेल्स पुल कर ही रहे थे, तो उसे लगा कि शायद वो मेरे साथ भी मस्ती ना करने लग जाए, तो वो अपनी मम्मा के साइड में जाके खड़ा हो गया। अमा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स सी वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। जस्ट एज रीच नियर, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। ही गॉट वेट। ओ, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन। नाउ अभी अम्मा ने, जो नंदू की मदर एलिफेंट थी, उन्होंने नंदू को हल्का सा पुश किया रिवर की तरफ। नंदू को भी पानी में खेलना बहुत पसंद था, तो जैसे वो पानी में गए तो उनके सर पर ऑटोमेटिकली पानी से शावर होने लग गया, तो ये काम उनके एक कजिन का था। नंदू ज्वाइन दी गेम। जो तो क्या हुआ, नंदू को भी मज़ा आने लग गया, तो उन्होंने भी उनके साथ गेम ज्वाइन किया जो उनके कजिन्स खेल रहे थे। बिफोर द सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। ही बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। और सूरज ढलने से पहले नंदू और सारा जो भी एलिफेंट्स का झुंड था वो अपने अपने घर की तरफ, जंगल की तरफ वापस गया।
सब बहुत थक चुके थे। उसके बाद सब नंदू बैठे, उन्होंने फीड लिया अपनी मदर से और पीने के बाद उन्होंने रिलैक्स किया। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ट। इस स्टोरी में आपने नंदू के बारे में पढ़ा, उसके एलिफेंट के हर्ट के बारे में पढ़ा, उसके एलिफेंट का जो झुंड होता है उसके बारे में पढ़ा। द एलिफेंट हर्ट हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। जो मोस्टली मैंने आपको बताया झुंड में चलते हैं वो हमारे फीमेल एलिफेंट्स और यंग वंस चलते हैं, जबकि जो मेल एलिफेंट्स 14-15 साल के हो जाते हैं वो स्कैटर होकर चलते हैं। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। मेल एलिफेंट लिव इन हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स। मेल एलिफेंट जब तक 14-15 साल के नहीं हो जाते तब तक वो हर्ड में रहते हैं, उसके बाद वो नहीं रहते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। तब वो अपना झुंड छोड़ के अकेले चलते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड वेन ही इज दैट ओल्ड। जब नंदू भी उतने हो जाएंगे 14-15 साल के, अभी वो 3 महीने के हैं, तो वो भी इस तरह से अपना झुंड छोड़कर अकेले रहेंगे। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर ग्रुप। दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। ऐसे बहुत से एनिमल्स झुंड में ही चलते हैं, जैसे शीप्स हो गई और बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें उनके झुंड को भी हर्ड्स कहते हैं। एनिमल हेयर यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। वो साथ क्यों चलते हैं, हर्ड में झुंड में क्यों चलते हैं, कि वो अपना फूड सर्च कर सकें, और अगर कोई शिकारी आता है तो वो उनका शिकार जल्दी से ना कर पाए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ इस लेसन का एक्सप्लेनेशन, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।